नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं। दूसरी तरफ इस फिल्म का जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल ट्विटर पर बीते कई दिनों से बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड कर रहा है। इसी बीच कई हस्तियां रणबीर और आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र पर निशाना साध रहे हैं। कंगना रनौत से लेकर विवेक अग्निहोत्री ने ब्रह्मास्त्र पर तंज कसा है। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ने ब्रह्मास्त्र को लेकर टिप्पणी की। अपने ट्वीट के जरिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म पर चुटकी लेते हुए मीतू सिंह ने लिखा, सुशांत का ब्रह्मास्त्र इस बॉलीवुड को बर्बाद करने के लिए काफी है। बॉलीवुड हमेशा लोगों पर राज करना चाहता था। आपसी रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी दिखाने के लिए कभी नहीं रुकता। हम ऐसे लोगों को अपने देश का चेहरा कैसे बना सकते हैं जिनकी मॉरल वैल्यूज इतनी ज्यादा है। ढोंग करके पब्लिक का दिल जीतने की उनकी कोशिश बेकार हो चुकी। क्वालिटी और मॉरल वैल्यूज ही ऐसी चीजें हैं जो तारीफ और इज्जत पा सकेंगी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 में अपने घर में मृत पाए गए थे। एक्टर की मौत के बाद इंडस्ट्री में न सिर्फ नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ गई थी बल्कि ड्रग्स रैकेट का भी भंडाफोड़ हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से लगातार उनके फैंस बॉलीवुड फिल्मों पर निशाना साध रहे और उन्हें सोशल मीडिया पर बॉयकॉट कर रहे। सड़क 2 से लेकर ब्रह्मास्त्र का जिस कदर विरोध हो रहा है उससे सब वाकिफ है। बता दें कि जब सुशांत की मौत हुई थी बॉलीवुड पर काफी सवाल उठे थे। ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर करण जौहर पर भी सुशांत का करियर बर्बाद करने का आरोप लगा था जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी। आलिया भट्ट पर सुशांत का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगाया गया था जिसकी वजह से उन्हें भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। और अब सुशांत की बहन ने ऐसा बयान देकर सबको हैरान कर दिया। बता दें कि ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर और आलिया के साथ साथ अमिताभ बच्चन, मोनी रॉय और नागार्जुन नजर आए। साथ ही शाहरुख ने भी फिल्म में कैमियो किया। 410 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज हुई। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि सुशांत की बहन के बयान पर रणबीर आलिया किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।